भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहरा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बैक बेंचर सेक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बैक बेंचर सेक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बैक बेंचर सेक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है राम नाम बोल हेड के टेल हेड हेड टेल टेल चल yes. अब इन्हीं दोनों के जाके बोल मैया के बुलावे लगता है। नहीं जाएंगे, कहाँ नहीं जाएगा रे? नहीं जाएंगे। ना जाएंगे। ना जाएंगे। ना जाएंगे। ना जाएंगे। यहाँ अगर हेड टेल खेली थे ना, तब अपन मैया के सबके बुलाए पड़ जाते। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। एक यहाँ अगर हेड अरे हारा है तो चुमा दिलवाएगा ना? Yes. दिमाग खराब है का? हम 5 रुपया के बाजी लगाए थे। साला तहने हमर खर्ची घटल है जो हम 5 रुपया के बाजी लगा में हम चुम्मा के बाजी लगाए थे। Yes. ना 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 हम 5 रुपया के बाजी लगाए थे। नहीं पूछ लो सबसे। हाँ हाँ हम सुने हैं। अरे लेकिन हम सुने थे कि चुम्मा दिलवाएगा। हम इहो सुने हैं। देखा रे साला, हम पैसा नहीं देंगे। Yes. अरे तो हम चुम्मा दिला ना, हम वही तो मांग रहे हैं। नहीं नहीं हम पैसा देंगे, हम चुम्मा नहीं दिलवाएंगे, हम पैसा देंगे। अरे वो चुम्मा के तो बात दिला तो अपने बहन से। तू जाके पंच बनेगा, तू ही जाके दिला ना अपन बहन से चुम्मा। अरे साला तोरा मार दिया रे, तू मार रख रहा। ए फ्रेम पकड़े कर, फ्रेम बिगाड़े। मार रख मार रख। अरे अरे साला अरे ये बुढ़ारी में साला तोरा टम टम चढ़े के चाहे तो तू साले घोड़ा गाड़ी चढ़ी तो पहले चोक लो बेटा। अरे साइकिलवा ना संभाल कर लो रे। इधर देख। अरे बेटा कलिया तू ये। अरे मास्टर साहब आप हैं? Yes. अरे मास्टर साहब हमको लगा कि साला केकर माय के गांड में फुंसी हो गया है जो कलिया से टकरा रहा है। अरे बेटा हम ही हैं। Yes. और बेटा तुमसे आज स्कूल काहे नहीं गया रे? अरे मास्टर साहब पढ़ाई लिखाई जरूरी है। अरे बेटा पढ़ाई लिखाई जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, बहुत जरूरी है। No. मास्टर साहब ठीक कह रहे हैं, पढ़ना लिखना बिल्कुल जरूरी है। अरे देखो तो लड़का कितना बढ़िया बात करता है। Wow. अरे हमको तो लड़का बहुत मैच्योर लगता है। मैच्योर है, हमको तो मैच्योर लगता है। अरे बेटा आप सब नहीं बोलो, जल्दी से तुम सब स्कूल पहुँचो। अरे मास्टर साहब वैसे गरीब हाई स्कूल में पढ़ के हम कौन सा अमीर हो जाएंगे? अरे बेटा ये उम्र है पढ़ाई कर लो, नहीं तो रह जाएगा बहुत जिनकी बाबू के भैंसी चरा बीट। इस साला जब आता है तब ज्ञान झाड़ के चल जाता है, दिन के 34 रुपये कमाता है, इतना नवाबी सांभा हम कितना कमाते हैं रे बताओ जल्दी से। अरे बांदर के औलाद है साला, ये उम्र में स्कूल जाके पढ़े के चाहे तो साला हमरा भी जगोर ले। अरे साला 2-4 क्लास पढ़ ले नहीं तो रह जाए गार भी दोनों, समझ गए? ये ढीले आज हम तोरा साथ लिपिंग किस करेंगे। अरे लील बांदर तू हमें एगो बात बताओ, साला तोरा भी चिड़ियाघर में रह के चाह लग रहे, तू गरीब हाई स्कूल में का करी था के रे? रात के हम 1 बजे जो हम सोचना स्टार्ट किए हैं, सवेरे हम 5 बजे तक हम यही सोचते रहे हैं कि लील बेंद्रा साला हमारे क्लास में काहे आ गया, क्लास व्लास फान के का आया था रे? हाँ तो साला 4th-5th क्लास में रहना चाहिए। हे मियाँ खलीफा क्लासेस, ये कौन है मियाँ खलीफा जी? नहीं पता, लिंक भेजना जरा हम भी देखेंगे। एक्टिंग फैन 1 मिलियन। वाओ 1 मिलियन, 1 मिलियन कब का हो चुका है, और 1 मिलियन करने में तुम लोग भोसड़ी के देरी किए हो, इसलिए प्यारे स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी 2 मिलियन 10 मिलियन कराओ वरना हम तुम्हारी गांड तोड़ देंगे, ठीक है? यस। तो जरा हम भी देख ले कि कौन कौन जो है वो फी नहीं दिए। क्लास है कि धर्मशाला रे? क्लास है सर। एक तो फी नहीं देगा, एक तो फी दे दिया सर, मम्मी हमें एडवांस में दे दी। तो मम्मी एडवांस देता तो टोपी पहन के आएगा रे? हैं टोपी पहन के आएगा? नहीं सर। हट, क्या है बाल कहने का?
बाल कहे नहीं कटाएगा, बाल कहे नहीं कटाएगा बेहुदा, फी नहीं देगा, बाल नहीं कटाएगा, अनुशासन नहीं, डिसिप्लिन बेहुदा, मार देख रहा है, पढ़ाई देख, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर सब, पांक, जो जो फी नहीं दिया है खड़ा हो जाओ, हो खड़ा, वाह, तुम्हें तो हो एक क्लास में सबसे बढ़िया तेज बहादुर। तो भाई साहब अब बताइए कि इस बार फी में क्यों देरी हुई? सर फीस है सर, हमको भूंजा हुआ फीस ना बहुत पसंद है। अरे भैया रुपानी वाला फीस नहीं, स्कूल वाला फीस का बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा तुमको? सर छोड़िए, छोड़िए, ये कैसा अशरी आवाज निकल रहा है? पेट दर्द कर रहा है सर, पेट दर्द कर रहा है। कब देगा फी? सर पापा बोले हैं ना सर की बार दारू चुएगा बढ़िया से सेल होगा ना सर, तो दो महीने के बाद फीस मिल जाएगा सर। दो महीना का, दो साल से पैसा बाकी है, हमारा बाप का दो साल से दारू नहीं चुआ है। दो साल? सर कला बोले ऑफिस में कि दो महीना के बहरा फीस बाकी है। हम कब दो महीना बोले? तुम ही याद करो कि पिछली बार हमको कितना महीना पहले पैसा दिए दे देंगे सर, पैसा से छोड़िए सर। खाली बहाना बनाता है, एक नंबर का बहानेबाज है। पहले कहता था कि कभी मामा मर गया है, कभी मौसा मर गया है, कभी चाचा मर गया, कभी फूफा मर गया। मम्मी मम्मी पिछला बार ही बोला कि मम्मी मर गई है, माई मर गई है तुम्हारी। अरे हम तो देखे छत पर कि भाभी जी पसार रही थी साया, तब हमको समझ में आया कि माई इसकी जिंदा है। और ये ससुरा झूठ बोल रहा है सर, छोड़िए सर, दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है, बोल कब देगा। और सर पैसा का भी दिक्कत है घर में सर, मिल जाएगा पैसा? दिक्कत है, बोल कब देगा महीना? पक्का ना? अरे तुम्हारे ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं है। इतिहास के पन्नों में जब जब ये सवाल उठा है, कौन है भरुआ? तू है भरुआ, तुम्हारा पूरा खानदान है भरुआ। आलोक बहिरा को क्या हुआ था? सर इसका मूड स्विंग हो जाता है। ओह माय गॉड, टोपी टोपी नहीं खुलेगा, खुल गया सर, प्रिंसिपल नहीं आया, खुल गया सर, पूरा क्लास का धमसला बना कर पागल हो गए सब, सब जाके इलाज करो। तू टोपी का है पहना, तू मियां खलीफा तुम्हारे बाप में जाएगा करके। सब करो उसको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बी। अब हम लिखते हैं यहाँ पर, ये सब लोग नोट कर लिए सारे लोग, सब लोग बाद में पूछना कि प्रिंसिपल सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, कहीं हम मार रहे लपटा देंगे। अब देखो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए बी, समझे? तो इसमें जो है ना अलजेब्रा जब भी हम लोग बनाएंगे तो इस सवाल को हल करने के लिए ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही काम आएगा, समझे? क्या आएगा? अरे लीलबांदर के जलमल है, तू खाना लाया है तो तू लंच में ना खाएगा कि तू क्लासरूम में खाएगा? हमर खाना है जितने तक नहीं खा सकते है, तुमको कैसे भार पड़ रहा है? जब हम तो बहनिया के गोलका दबाते हैं तो तुमको क्या भार पड़ता है? तुमको नहीं ना भार पड़ना चाहिए? नो बराबर व्हाट, कौन बताएगा? खड़े हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी वही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बैठो सीखो सीखो इससे। अरे क्लास में खाना खाना शुरू हो गया है सर, ये सब खाना जोड़ा के खा जाता है। ये बेटा की तोरे खाना के भरोसे हमने जिंदा है। हाँ तो इस तरह से हम लोग गणित में एलजेब्रा में इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, समझे? जी सर। बेहुदा हनी अभी तक नहीं सुधरा, अभी भी खाना खा रहा है। सीखो सीखो इससे कुछ। यस। पढ़ाई लिखाई करता है, पढ़ने में तेज है, ऐसा बनो, होनहार बनो। ये नहीं कि जो स्कूल का फी लेकर के बैठे हुए हैं अब बदतमीज बेहुद्दा की तरह मुंह उठा करके एकदम देख कैसे रहा है ससुरानी का। सर कितना बाकी है हमारे ऊपर बताइए तो? कितना तुम्हारा फी?
16,405 रुपया 16,405 रुपया तो अब माइनस कर दीजिए 5 रुपया अब बाकी पैसा हम आपको ना धीरे धीरे दे देंगे। अब बताइए कितना बाकी हुआ? 16,400 रुक जाओ एक आध 2 रुपया होगा हमारा भेज लीजिए। अरे लो दो इसको माइनस कर दीजिए अब हो गया आपका 16,399 हम आपको धीरे धीरे चुका देंगे। अब वैसे आप जब मन तब क्लास में मत बोलिए साला छुट्टी काट लिया। क्लास है मंदिर का दान पेटी नहीं है ना खुद पैसा देना बेटा। अरे चलो फिर हो गया चलो। अरे अरे तो सर आज हम कराएंगे बच्चों से दंडाश्रम। बच्चों से? हाँ और आपसे भी करवाएंगे सर। हाँ लाइन में लग जाइए। तो बच्चों आर यू रेडी? आज एक जरूरी सूचना है आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रिंसिपल सर पीटी करने के लिए। सॉरी सर घंटा लग गया। तो गाइज आर यू रेडी? परेड सावधान परेड विषम परेड दायमूर परेड बायमूर परेड जंप परेड फ्लाई। रे तेरा नानी का नहीं हट जाओ तो पैर का नहीं फैल रहा है रे। वाह भैया बेल्डर आई एम कंप्लीटली इंप्रेस्ड। स्टॉप क्या कर रहा है? लाइन में लगो जल्दी से। पैर सावधान दाया पैर बाहर ले जाओ बाया पैर भीतर ले जाओ। अरे साला तू यहाँ क्या कर रहा है? लाइन में लगो जल्दी से। दोनों हाथ ऊपर करो। ये बहिरा को स्विंग आता है मतलब कि दिमाग फगला जाता है उसका। हम झेल चुके हैं पहले तो आप झेलिए सर। अरे इधर आ इधर आ करे करीब इधर आ इधर आ। ये क्या कॉम्बिनेशन है रे व्हाइट और रेड का? तू कबड्डी खेल गया है यहाँ? नहीं भैया। तो आए हैं पढ़ने। क्या नाम है तुम्हारा? सुंदर कुमार। सुंदर कुमार तोहर माए तुमको नारियल के गोला खा के पैदा की थी साला। जाओ लाइन में जल्दी से बढ़िया से चलो। है तू इधर आ टोपी वाला इधर आ इधर आ जल्दी। टोपी पहन के तू हीरो बन रहा है तो टकला है ना दादाजी मर गए। हाँ दादाजी मर गए। अरे ऐसे उनका टाइम हो गया था मर गए। आई देखो नीचे तू क्या जींस पहन के तू आया है। अरे तो कॉलेज नहीं ना है हो गरीब हाई स्कूल है समझ गया। चलो इसे हाथ करो पनिशमेंट। चलो जाओ जल्दी से बैठो। चलो सब लोग रेडी है पीटी के लिए? बाया पैर दाएं ले जाओ दाया पैर ऊपर ले जाओ लेफ्ट राइट दाएं बाएं। रे माइकल जैक्सन को ला दे। रे इधर आ इधर आ। तू नो इधर आ जल्दी से इधर आ। अरे कहाँ है? उधर माइक गुफा में जा रहा है इधर ना बुला इधर आ। ये तू क्या कर रहा था गोल गोल राउंड राउंड? मन नहीं लगता है मन नहीं लगता है। कौन बोला कौन बोला? इधर आ जल्दी से। मार साहब को छोड़ दो। इधर आ तू नो। धन्यवाद सर अब आप से हमारी है। क्या बोल रहा है तुम दोनों? पीटी सर इधर आ गुद 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 कर रहा है। इधर आओ सामने आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जल्दी बोलो दिनेश लाल यादव सर। यहाँ क्या कर रहा है? तुमको इससे पहले हम गरीब हाई स्कूल में हम नहीं देखे हैं। क्या नाम है तुम्हारा सही सही बताओ? दिनेश लाल यादव सर। तुम्हारा एडमिशन हुआ है यहाँ? हम प्रिंसिपल है यहाँ के। प्रिंसिपल है? साला झूठ बोलता है। सही से बोलो। यही जवानी में तुम्हारा जो है बाल पक गया। चलो इधर पीटी हम तुम्हारा स्पेशल करवाते हैं। चलो आई रे पॉइंट रे हम फुल पहने तू हाफ पहना है गर्मी छटक रहा है। अरे हम प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का नाम मत लो वो हमसे हमेशा पैसा मांगता है। चलो तुम्हारा स्पेशल पीटी करवाते हैं। दोनों पैर ऐसे करो ऐसे करो और फैलाओ। यस सर। और फैलाओ। यस सर। और फैलाओ। यस और फैलाओ। क्या हो गया? इसको कहते हैं गांड फाड़ एक्सरसाइज। बहुत दम है तुम्हारे अंदर। चलो अब देख प्रेस। सॉरी सर अरे सर
क्या हो गया? अरे मेरा ध्यान हट गया। ध्यान हट गया सर? इधर फट गया सर। ढेर फाट दिया है। अरे सर ढेर फाट गया। अरे इस बहिरा का इलाज कराइए सर, इस पागल के चक्कर में आज पैन फटा है, कल कुछ और फट जाएगा सर। देख लेते हैं। चलो बच्चों पीटी अब हट। भैया स्कूल कहाँ जा रहे हैं? कितना अच्छा था वहीं पे चाय पी रहे थे। yes. अरे साला देखा नहीं मास्टर साहब क्या बोले? No. कि इंडिया पढ़ेगा नहीं तो इंडिया चढ़ेगा कैसे? अरे मतलब बढ़ेगा कैसे? Yes. हमको स्कूल जाने का मन नहीं है। स्कूल जाने का मन नहीं है तुम्हारा? अरे लील बांदर कहीं तो मारेंगे ऐसा थप्पड़ ना कि दिमाग होश में आ जाएगा, समझ गया? देखें साइकिल पंचर हो गया ना, तो हम क्या करें? देखें भगवान भी चाह रहे हैं ना कि आज हम लोग स्कूल नहीं जाएं। yes. अरे आज ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएंगे ना, तैयो तोरा हम स्कूल लेके जाएंगे। चल हवा भर जल्दी से। भैया पाइप थोड़े हम लेके आ रहे हैं। चल अरे पाइप के कहा जरूरत है रे। आ? चल लील बांदर मुँह से भर हवा। भैया मुँह से हवा भराएगा? अरे भर ना रे। गुड आफ्टरनून हो रहा है ट्यूशन वालों। अच्छा वो सब छोड़ो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों और सब कैसा है? रात में तुम लोग की मैया हमारे पास आई थी। टेक इट इजी गाइस। अरे तुम लोग की मम्मी हम लोगों से कंप्लेन कर रही थी कि सर आपका क्लास बहुत बोरिंग होता है। yes. अब उनको कौन समझाएगा कि जो इतिहास है ना वो रटा जाता है? no. लेकिन नहीं, इतिहास रचा जाता है। oh my जैसे God. कल रात हम तुम लोगों के मैया के साथ इतिहास रचे हैं, जिसका भूगोल तुमको 9 महीना बाद तुमको दिखाई देगा। oh सर मेरे लंच के बारे में पूछिए ना। हाँ पूछ रहे तो सरियन वालो। लंच लंच। अच्छा इसका लंच कौन चुराया है? कोची था तुम्हारे टिफिन में। 4 गो बिस्कुट था इसके टिफिन में। है हमने चुराया है। जाओ सबका नोट तुमने जेब चेक करो, जेब चेक करके निकालो चोर कौन है। क्या कर रहा है बुर्बक? अरे अपन सौतेली बहन के झुमका तू खोज रहा है? जाके कोर्ट से पहले वारंट लेके आओ, तब तुमको हम अपना जेबी चेक करने देंगे। चलो आओ बैठ जाओ बैठ जाओ। 4 गो बिस्कुट लाके जाके तू कोर्ट से वारंट लेके आया, बैठो हम तुमको पढ़ाते हैं। ए जेबी चेक करा दो ना। था नो तो अपने बहन से शादी करवाएगा? yes. तो बोलो अपना जेबी चेक करने देते हैं। अरे बाप रे ये बहिरा तो सारा हमरो से भी कला है। प्राइवेसी के कोई अथी नहीं है। बैठो क्या दोस्त? अरे तुम बैक बेंचर्स के साथ क्यों रहते हो? वो लोग जाहिल गवार लड़का है। तुम मेरे साथ बैठो ना, कुछ अच्छा सीखोगे। मेरे साथ बैठना ठीक ना? कौन बोला? कौन बात कर रहा है? जाओ क्लास बाहर। ये सब बात कर रहा है तो समझ में आता है सर? छोटा बात कर रहा है। सॉरी सॉरी सर। चलो ठीक है बैठ जाओ। तो बच्चों आज हम तुम लोग को पढ़ाएंगे हिटलर के बारे में, ठीक है? तो टॉपिक लेते हैं हिटलर। कुत्ते, ये धरती मेरी माँ है और इस देश के लिए हम अपना सर कटा सकते हैं, सीने पे गोली खा सकते हैं। भारत माता के, भारत माता के बंदे, बंदे। अरे बहिरा yes. ये तुम कोची कर रहा था? सर 26 जनवरी आने वाला है ना, तो सर उसी के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे थे। अरे तेरा मवाने के दोनों छड़ी दबा दो, हिंदुस्तान हमारा था और हमारा ही रहेगा। हुर्रे। सर बहिरा थोड़ा सा बीमार है ना, इसको मूड स्विंग होते रहता है। बहिरा yes. मूड स्विंग होता है इसका मतलब क्या कि मास्टर साहब को गाली देगा? चलो क्लास से तो बाहर निकलो, जल्दी निकलो बाहर। सर तो सॉरी बोलिए। बैक बेंचर कभी सॉरी नहीं बोलता है, ये हमारे आन बान शान के खिलाफ है। आन बान शान? अरे जाओ बाहर चुप जाओ बेहूदा लड़का। यस तो देखो इतिहास जो है ना कहानी के तरह सुना जाता है, ठीक है? तो किताब को करो बंद, अब सुनो।
हिटलर जो है उसका जो जन्म हुआ था बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। 17 साल की उम्र में उसके जो बाबूजी थे दुनिया छोड़कर चल गए थे। अब रोजी रोजगार के लिए कुछ कुछ काम करता था। फिर स्टार्ट हुआ प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व में जो है ये एक सैनिक में भाली ले लिया, सैनिक में चला गया। उस समय क्या था ना कि सबको ना खोज खोज के ना फौज में भरा जाता था, तो हिटलर भी शामिल हो गया और वो फ्रांस के कई लड़ाई में लड़ाई लड़ा। लेकिन क्या हुआ कि जर्मनी का बहुत ही बुरी तरह से पराजय हुआ, ठीक है, और मित्र राष्ट्रों का विजय हुआ। मिस राष्ट्र में कौन कौन आता? अरे भैया, अरे तुम पाड़े सर से डर गया? चौन पाड़े सर से उनका खुद का बाल बच्चा नहीं डरता है, उस पाड़े से तुम डर गया? फिर क्या हुआ? अरे पाड़े तुमको बोल दिया तू क्लास से निकल गया, यह तुम्हारा इज्जत था? हाय वाह, हार हो गया, ठीक है। जर्मनी का जो हार हुआ ना, तो और इस हार का जिम्मेवारी फिर जब क्या हुआ कि धीरे धीरे वो अपना एक आविष्कार नहीं किया, अपना एक संगठन स्टार्ट किया नाजीवाद से, उसका वो लीडर बन गया। अरे साला माइकल हिटलर नाराज का हो गया रे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, हाँ? Yes. हमारे इस विद्यालय का नाम गरीब हाई स्कूल है, लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम अपने विद्यालय को गरीब घोषित करें। हमारा ये उद्देश्य है कि गरीब से गरीब बच्चा इस विद्यालय में आके पढ़ के कुछ बन करके अमीर बने, क्या सर? एकदम बिल्कुल सही बात बोले सर। हमने कहा था कि समय पर सब कोई मन लगा के किया करो, क्या सर? पढ़ाई, तभी तो मिलेगी असली मजा ना भाई, नौकरी मिलेगी, कुछ बनोगे, कुछ करोगे। Yes. अपने लाइफ में कुछ करना है कि नहीं करना है? Yes, sir. अरे करना है कि नहीं करना है? Yes, sir. पढ़ेगा इंडिया तभी तो चढ़ेगा इंडिया। सॉरी सर, माई मिस्टेक, आई मीन पढ़ेगा गरीब तभी तो आगे बढ़ेगा गरीब। ये लाइन है, बस यही चीज है, बस इसी चीज को मान करके हम लोग को अपने विद्यालय का नाम रोशन कर देना है। क्या कर देना है? रोशन कर देना है। और ये कौन करेगा? हम लोग सर। कौन करेगा? हम लोग। इसलिए अपने विद्यालय की मान मर्यादा को देखते हुए आज मतलब आज हमारा जो ये फंक्शन है उसमें पिंकी मैडम नहीं आई है, पूजा मैडम नहीं आई है, हाँ, रामरूप सर की पत्नी शिल्पा मैडम भी नहीं आई, लेकिन फिर भी हम लोग रुके नहीं। No. क्योंकि कोरोना के कारण वो लोग रुक गई ना, इसलिए हमारा विद्यालय जो है आज के बाद बंद हो जाएगा, कुछ दिनों के लिए छुट्टी है। Wow. तो आज ये विनिंग प्राइज हम यहाँ पे नॉमिनेट करने जा रहे हैं, और ये प्राइज मिलेगा उन बच्चों को जिन्होंने मेहनत करी। Yes. जिन्होंने अपने आप को साबित किया, क्या सर? Yes, sir. जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया, सर के पास केबिन में गए। एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए दोनों मास्टर भुआ है, भैया को पता है, लग रहा है जैसे ओलंपिक के गोल्ड मेडल दे रहा है। यस साला, ऐसा ऐसा आवाज हम अपने घर पे सर रहा है मेरा। अब पुनीतवा कैसे हर बार फर्स्ट आ जाता है? अरे पुनीतवा को साला को निहुरने का आदत है, जब जब मन तब देखता नहीं है सर जी उसको केबिन में बुलाते हैं। पचवों में साला फर्स्ट आया, छठों में, सातवों में, आठवों में, नौवां, दसवां, मतलब का है? हम इसे मेहनत नहीं करते हैं? करवे करते हैं जी, रात के हमारे पापा मार थे तो हम 2 बजे तक हम पढ़े थे। No. वो अलग बात है कि मियां खलीफा के हम वीडियो देखे थे। ना हम तो पढ़ रहे थे, पढ़े तो मेहनत हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन साला ना उसे सबके होगा हमें। हाँ? तो मेडल से क्या होगा? मेडल से क्या होगा यार, बेइज्जती करता है ना। यस, बहुत सारे बच्चे आते थे, बहुत सारे बच्चे बोले कि बहुत सारा तकलीफ है सर, किन्हीं लोगों को मैंने केबिन में बुला के समझाया, किन्हीं को मैंने क्लास में समझाया, लेकिन मैंने समझाया जिस तरह से, अब मुझे इस बात को अनाउंस करने में या लोगों को बताने में बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है कि हमारे इस क्लास के जो है विनर है, आप सबके क्लास के मतलब कि सब में जो सबसे पढ़ने में तेज है, जो विनर है मेन, उसका नाम है पुनीत कुमार। ताली बजाइए इनके लिए। अरे अरे पुनीत, झुकने का आदत इसका जो है ना बहुत बढ़िया।
रामरूप सर इधर इधर आओ बेटा, इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ। हाँ सर, मेडल हमको पहनाने दीजिए। हाँ हाँ मेडल आप पहनाइए सर, लीजिए पहनाइए। हमारा जो है जी सर बाबू, तुम्हारा भविष्य एकदम उज्जवल होगा। हाँ सब लोग ताली बजाइए इधर। कभी हमारे भी आया करो क्लास, हम भी एक बनवा रहे अपना। सर सर इसको प्राइज दे दे सर। हाँ ताली बजाइए। एक फोटो क्लिक करो सब। जा बेटा। और दूसरा पुरस्कार जाता है, क्या हुआ? कौन कौन जूता मारा? बम बारूद फेंक रहा है सर। जूता कौन मारा है? पूछ रहे हुए सर, ऐसे खुल के चल गया सर। आगे बढ़िए सर, आगे। अपमानजनक खड़खड़े हैं। ये ध्यान ध्यान रखो, गलत बात है। यहाँ पे प्रिंसिपल खड़े हैं, रामरूप सर खड़े नहीं। ठीक है सर, आगे बढ़िए। दूसरा पुरस्कार जाता है सेठ कुमार। सेठ आ जाओ, ताली बजाइए। हम पहना देते हैं, आप खुश रहो, खुश रहो सर। अरे बाबू बहुत खुश रहो। यार जूता कौन फेंक रहा है? बदतमीज सर। सर ये सर आगे बढ़िए। सर हम नहीं फेंके। हम नहीं फेंके सर। सर आगे बढ़िए। सर प्राइज दीजिए सर। सर प्राइज दीजिए सर। प्राइज दीजिए सर। सर जूता कौन फेंका? प्राइज दीजिए सर। जूता फेंकता है बदतमीज सर। सर के ऊपर जूता फेंक देगा। दीजिए प्राइज। हमारा दूसरा पुरस्कार जाता है सेठ कुमार को। ताली बजाइए इनके। बहुत आगे बढ़ो, बहुत बहुत बढ़िया। जाओ बेटा बैठो, जाओ बैठो, आराम से बैठो, जाओ। पांक बहुत गोरा है समझे? बहुत है, इसको लड़की बनाएंगे अगला भी। हाँ आ जाओ। तीसरा पुरस्कार जाता है सबसे मेहनती सोनू कुमार को। नो सोनू लास्ट टाइम यही आया था। ताली ताली बजाइए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रणाम के करेगा जाओ। आज फिर जूता मार रहा है। सब विनर को जूता कौन मार रहा है? कुछ बच्चे होते हैं जो बदतमीजी करते हैं, बेहुदागिरी करते हैं। एक होता है पढ़ने वाला लड़का और एक होता है इसके जैसा बेहुद्दा। ए भैया खड़ा हो। क्या हुआ सर? खड़ा हो, इधर आओ। अरे बताइए ना सर क्या हुआ। अरे इधर आओ ना, इधर आओ। बैक वेंचर सर ना तुम, इधर आओ। No. बैक वेंचर माने कि पीछे वाला लड़का और हमेशा पीछे ही रहेगा। इधर आओ। तुम ही जूता फेंक रहा था ना, तुम ही जूता ना फेंक रहा था। ये लोग मेहनत करके आगे बढ़ा है, इसी नहीं बढ़ा है अब। yes. तो सर हम ही तो करते हैं मेहनत। नहीं करते हो मेहनत? नहीं कैसे करते हैं, हम खाली केबिन में नहीं जाते इसलिए आप हमको मार्क्स नहीं देते हैं। सबको पता है केबिन में कौन जाता है कौन नहीं जाता है। सबको पता है कौन जाता है कौन नहीं जाता है। पढ़ने के लिए जाता है। हाँ पढ़ने के लिए जाता है, हमको पता है। yes. अरे रामरूप सर क्या बोलेंगे, वो तो क्लास में ठेका देते है। अरे तुरा दो दिन पहले ठेका थोड़ा किनारे। अरे बोलो ना, डर कह रहा है, आवाज उठाओ। क्या आवाज उठा? साले जगह फिर फैल जाएगा। क्या जगह फिर? तुम सबका इतिहास जानता है, सबके बारे में जानता है कि हम क्या करते हैं वो क्या करते हैं। तो तुम क्या करता है? तो तुमको आता है दूसरा बोल सकता है? तुम कहीं नहीं बोल सकते, दूसरा बोल सकता है। बोल सकता है, कहीं नहीं बोल सकते। बोलो जाके दूसरा बोलेगा रामू को। बोले दीजिए। बंद है तो क्या हुआ, ब्लैक में मंगवा मंगवा कर पिया करो। बंद हुआ तो क्या हुआ, ब्लैक में मंगवा मंगवा कर पिया करो। ये मिले या ये टाइम टाइम पर दबा के लिया करो। ये कहाँ से किया है? योनी सर। योनी सर, बहिरा का मूड स्विंग हो गया। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद और हाथ जोड़ के प्रणाम, क्योंकि आप लोगों ने 1 मिलियन कंप्लीट किया है हम लोगों का। ठीक है, उसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। बिल्कुल, आप ऐसे ही मत चले जाइए, वीडियो को देखें। वीडियो को बहुत मेहनत लगा है बनाने में, बैक वेंचर को। ठीक है, और बहुत ठंड में हम लोग बनाए हैं तो थोड़ा सा प्यार दिखाइए आप लोग अपना। कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपको गाली वाला कंटेंट चाहिए तो हमारा दूसरा चैनल है पिंस, उस पर हम लोग गाली वाला कंटेंट डालते हैं, उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक नीचे है। बिल्कुल, एकदम प्यार दिखाओ यार, मोटिवेट करो हम लोगों को, तब तो अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएंगे। बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।